तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में रहकर के महसूस कर रहा था, आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिल रहे थे, उनको भरोसा था उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के, लेकिन नहीं, क्या बिगाड़ा है? तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रहे हैं व्यवहार? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अन्य विभागों मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और अन्य विभागों में भी रिक्तियां चिन्हित कर दी गई। और इन चिन्हित रिक्तियों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें, तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में रहकर के महसूस कर रहा था, आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिल रहे थे, उनको भरोसा था उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के, लेकिन नहीं, क्या बिगाड़ा है? तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रहे हैं व्यवहार? उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे। लेकिन आशा ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है उसको रोकने की कोशिश ना करें। आप सबने देखा होगा बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है, मोइनुल हक स्टेडियम का, कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है, 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी थी। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का है, तेजस्वी जी ने उसमें मोहर लगाई, उनकी मोहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर के दिखते दिखते उधर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं, इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती ना तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए, किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, ये 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, और 2005 में जिन बच्चों का जन्म हुआ आज वो वोटर है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। इतिहास की विस्मृतियों में, गलत स्मृतियों में मत उलझाइए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा माननीय नीतीश कुमार, कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर में सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। भाजपा हमेशा पूछ रही है कि 90 से लेकर 2005 तक आपने क्या क्या कितनी नौकरी दी। मैनेज कर लिया, अन्य विभागों मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
और अन्य विभागों में भी रिक्तियां चिन्हित कर दी गई है। और इन रिक्ति चिन्हित रिक्तियों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें, तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में रहकर के महसूस कर रहा था, आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिल रहे थे, उनको भरोसा था उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के, लेकिन नहीं, क्या बिगाड़ा है। तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रहे हैं व्यवहार, उनका घर कैसे चलेगा। अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे हैं। लेकिन आशा ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है उसको रोकने की कोशिश ना करें। आप सबने देखा होगा बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है, मोइनुल हक स्टेडियम का कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है, 5-स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी थी। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का है, तेजस्वी जी ने उसमें मोहर लगाई, उनकी मोहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर के दिखते दिखते उधर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं, इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती ना तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई, क्योंकि पाइलअप थे, आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए, किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, यह विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।